दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने फोन में स्वाइप अप जिस्टर्स को इनेबल कर सकते हो, यानी आप अपने एंड्रॉइड फोन के वर्चुअल बटन्स को कैसे हाइड कर सकते हो, कैसे छिपा सकते हो। क्योंकि दोस्तों एंड्रॉइड फोन में हमें वर्चुअल बटन्स मिलते हैं, बैक बटन, होम बटन, रिसेंट बटन। अब आप इनको हाइड करके आईफोन की तरह स्वाइप अप जिस्टर्स को इनेबल कर सकते हो। और दोस्तों आप एंड्रॉइड फोन को बिल्कुल आईफोन की तरह स्वाइप अप करके यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप यहां पर ये आईफोन देख सकते हो, ठीक है। इसमें हमें नीचे वर्चुअल बटन्स नहीं मिलते हैं, बैक बटन, होम बटन, रिसेंट बटन नहीं मिलते हैं। हमें फोन को स्वाइप अप करके यूज करना होता है। सेम इसी तरह आप एंड्रॉइड फोन को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ में दोस्तों कुछ ऐसे जिस्टर्स के फीचर्स के बारे में आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। आप स्क्रीन पर ड्रॉ करके अपने फोन को यूज कर सकते हो, आपका जो फोन है वो लॉक रहेगा, ठीक है। आप कुछ भी ड्रॉ करके एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो, ठीक है। मान लो कि आपको कैमरा ओपन करना है, आपको जल्दी से कैमरा ओपन करना है, सडनली कैमरा को ओपन करना है, सिंपली आपको स्क्रीन पर ओ बनाना होगा, ठीक है, आपका जो कैमरा है वो ओपन हो जाएगा। फ्लैशलाइट ओपन करना है, आपको वी बनाना है, आपका फ्लैशलाइट ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह आप जिस्टर के थ्रू एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कॉमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप एंड्रॉइड फोन में स्वाइप अप जिस्टर्स को इनेबल कर सकते हो, ठीक है। आप यहां पर ये दो फोन देख सकते हो, ये है आईफोन, ये एंड्रॉइड फोन है। एंड्रॉइड फोन में हमें नीचे वर्चुअल बटन्स मिलते हैं, बैक बटन, होम बटन, रीसेंट बटन, ठीक है। अब आप इसको हाइड कर सकते हो, हाइड करके आईफोन की तरह स्वाइप अप जिस्टर्स को इनेबल कर सकते हो, ठीक है। आप यहां पर देख सकते हो स्वाइप अप जिस्टर्स मिलता है, हम स्वाइप करके आईफोन को यूज करते हैं। सेम इसी तरह आप एंड्रॉइड फोन को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करना है, सिर्फ आपको सेटिंग करना है। आपको फोन के सेटिंग में जाना है, फोन के सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, ठीक है। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कन्वीनियंस टूल्स, आपको इस पर टैप करना है, ठीक है। आपको फर्स्ट नंबर पर एक ऑप्शन मिलेगा नेविगेशन, आपको इस पर टैप करना है। दोस्तों आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा स्वाइप अप जिस्टर्स फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है। और यहां पर आप देख सकते हो वर्चुअल बटन्स का भी ऑप्शन मिलता है। आपके फोन में वर्चुअल बटन्स पर टिक होगा, आपको स्वाइप अप जिस्टर्स पर टिक कर देना है, ठीक है। स्वाइप अप जिस्टर्स पर टिक कर देना है। अब आप यहां पर देखोगे आपके जो वर्चुअल बटन्स है वो हाइड हो जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों आप इस तरह स्वाइप अप करके अपने फोन को यूज कर सकते हो, ठीक है। आप इस तरह स्वाइप अप करके अपने फोन को चला सकते हो। तो दोस्तों ये तरीका है एंड्रॉइड फोन को आईफोन की तरह यूज करने का, ठीक है। अब दोस्तों चलिए मैं आपको कुछ ऐसे जिस्टर्स के बारे में बताता हूं जिसको आप यूज करके अपने फोन को शॉर्टकट तरीके से आप चला सकते हो, ठीक है। जैसे मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूं। मान लो कि हमारा फोन लॉक है, ठीक है, और हमें सडनली कैमरा को ओपन करना है, तो हम स्क्रीन पर सिर्फ इस तरह सर्कल बनाएंगे, ठीक है। और आप यहां पर देख सकते हो कैमरा ओपन हो गया, ठीक है। अब हमें मान लो कि फ्लैश लाइट ओपन करना है और हमारा फोन लॉक है, ठीक है, जल्दी से हमें फ्लैश लाइट ओपन करना है, तो हम वी बनाएंगे, हमारा जो फ्लैश लाइट है वो ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों ये तरीका है जिस्टर्स को यूज करने का, ठीक है। तो आप इसका सेटअप कैसे कर सकते हो चलिए मैं आपको बताता हूं। आपको फोन के सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद आपको कन्वीनियंस टूल्स को फिर से ओपन करना है। आपको पहले नंबर पर एक ऑप्शन मिलेगा नेविगेशन, सेकंड नंबर पर आपको ऑप्शन मिलेगा जिस्टर्स एंड मोशन, आपको इस पर टैप करना है, ठीक है। अब आपको यहां पर फर्स्ट नंबर पर एक ऑप्शन मिलेगा स्क्रीन ऑफ जिस्टर्स, यानी आपके फोन का जो स्क्रीन है वो ऑफ रहेगा और दोस्तों उस टाइम आप जिस्टर्स को यूज कर सकते हो, ठीक है। आपको इस पर टैप करना है, आपको यहां से स्क्रीन ऑफ जिस्टर्स को इनेबल कर देना है, ठीक है। अब दोस्तों आपको यहां पर काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, डबल टैप टू वेक स्क्रीन। अगर आप स्क्रीन पर डबल टैप करके स्क्रीन को ओपन करना चाहते हो, लाइट को ओपन करना चाहते हो, तो दोस्तों आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। मान लो कि हमने इसको ऑन कर दिया, अब हम फोन को लॉक करते हैं, फोन को लॉक कर दिया, ठीक है। हमें स्क्रीन पर डबल टैप करना है, आप देख सकते हो
स्क्रीन ऑन हो गया, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह आप इस फीचर को यूज कर सकते हो। अगर आप ड्रॉ एन ओ टू ओपन कैमरा इसको ऑन कर दोगे, ठीक है, और दोस्तों स्क्रीन पर आप ओ बनाओगे, आपके फोन का जो कैमरा है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको ऑप्शन मिलेगा वी, ठीक है, वी से आप फ्लैश लाइट को ओपन कर सकते हो। अगर आप इसको ऑन कर दोगे और स्क्रीन पर वी बनाओगे, फ्लैश लाइट ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह आप शॉर्टकट तरीके से अपने फोन को यूज कर सकते हो, सिर्फ आपको इन सेटिंग्स को ऑन करना है, ठीक है। अब मान लो कि आप कोई और एप्लीकेशन ओपन करना चाहते हो, जैसे क्रोम ब्राउजर हो गया, यूट्यूब हो गया, प्ले स्टोर हो गया, हमें इन एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो दोस्तों आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा एड जिस्टर, आपको इस पर टैप करना है, ठीक है। अब आप उल्टा वी ड्रॉ करके जो भी एप्लीकेशन ओपन करना चाहते हो आपको एप्लीकेशन यहां पर सेट करना होगा, ठीक है। आप कॉल कर सकते हो, अपने फोन को अनलॉक कर सकते हो, कोई भी एप्लीकेशन सेट कर सकते हो। जो भी एप्लीकेशन आप ओपन करना चाहते हो आप उस एप्लीकेशन को सेट कर लोगे, वो एप्लीकेशन उल्टा वी ड्रॉ करते ही ओपन हो जाएगा। जैसे मान लो कि हमें प्ले स्टोर को ओपन करना है, तो हमने प्ले स्टोर पर टिक कर दिया, ठीक है, यहां पर प्ले स्टोर को सेट कर दिया। अगर हम इस तरह वी बनाएंगे तो दोस्तों हमारा जो प्ले स्टोर है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपको यहां पर फिंगर देना होगा, आप देख सकते हो प्ले स्टोर ओपन हो गया, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह आप कोई भी एप्लीकेशन यहां पर सेट कर सकते हो और शॉर्टकट तरीके से एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको यहां पर और भी ऑप्शन मिलेगा, आपको एड रजिस्टर पर टैप करना है। आप स्लाइड डाउन करके अगर कुछ ओपन करना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहां पर सेट करना होगा। इसके बाद आपको स्लाइड लेफ्ट, आप इस तरह लेफ्ट साइड स्लाइड करोगे और कुछ ओपन करना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहां पर सेट करना होगा, ठीक है। तो इस तरह आपको काफी सारे ऑप्शन यहां पर जिस्टर्स के मिलेंगे। आप शॉर्टकट तरीके से एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो, शॉर्टकट तरीके से अपने फोन को यूज कर सकते हो। आपको एम का भी ऑप्शन मिलेगा, डब्लू का भी ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। अगर एम बनाकर आप कुछ ओपन करना चाहते हो, कॉल करना चाहते हो, अनलॉक करना चाहते हो, सिंपली आपको यहां पर सेटअप करना होगा, ठीक है। मान लो कि हम एम बनाकर कुछ ओपन करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे यूट्यूब को ओपन करना चाहते हैं, तो हमने इस पर टिक कर दिया है, तो यहां पर आप देख सकते हो एम पर यूट्यूब सेट हो चुका है। अब हम स्क्रीन पर एम बनाएंगे और हमारा जो यूट्यूब है वो ओपन हो जाएगा। देखो एम बनाते ही यूट्यूब ओपन हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों ये तरीका है शॉर्टकट तरीके से फोन को यूज करने का, जिस्टर्स को यूज करने का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस बनाता रहता हूं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।